चार रिश्ते मैंने सबको कॉल किया, प्राइवेट हॉस्पिटल क्योंकि हाँ काफ़ी हादसे कम हो गए और हिला देने वाली घटना मध्य प्रदेश के अंदर देश के जिसने भी सुना है घटना के बारे में वो विचलित हुए बगैर रह नहीं सकता। इसीलिए हमने जांच के आदेश दे दिए कि कमिश्नर इस पर जाँच हो क्या कारण है, भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो उसके लिए एडवाइजरी जारी करने का भी हम सोच रहे हैं कि अगर आप कोई भी प्रोग्राम करें तो उसके पहले क्या क्या कदम उठाने चाहिए, कैसे परमिशन लें, क्या उसमें सिक्योरिटी के प्रबंधन हो, किस प्रकार से सेफ्टी हो, तमाम बातें देखने लायक हैं। कई बार लोग जल्दबाजी में बिना कोई परमिशन के बिना कोई ढंग से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। आप टेंट के बारे में सुनते हैं कि जो बलि होती है उसको ढंग से उसको फिक्स नहीं किया गया, तो ये तो जांच का विषय है। पर टेंट वालों को भी चाहिए कि वो जल्दबाजी में काम नहीं करें। अब पता नहीं किन कारणों से ये घटना हुई उसको हम देखवाएंगे, तो आगे घटना नहीं वो भी देखेंगे और इसकी जांच पूरी कर पाएंगे। सर दोषियों को सजा मिलेगी लापरवाही किसी के सामने आती है तो जांच करने का मतलब ये होता है कि जो दोषी होते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हो गए हैं, मैं समझता हूँ कि किसी ने कल्पना ही नहीं की होगी कि राम कथा सुनने जाएंगे और वापस घर लौट के नहीं आएंगे। इससे बड़ा दुखद घटना क्या हो सकता है। सर और कुछ राहत वगैरह देने का पीड़ित परिवारों को? वो तो जो भी करना था हमने घोषणा कर दी है, उनका पूरा ख्याल रखेंगे। हेल्थ मंत्री जी साथ आए हैं, रघु शर्मा जी, तो विशेष ध्यान रखवाएंगे कि कोई तकलीफ नहीं हो हॉस्पिटल के अंदर। कोई इलाज करवाएंगे जोधपुर के, यहाँ है जोधपुर है जयपुर है, कई इलाज करवाएंगे। ये सरकार की जिम्मेवारी भी होती है कि ऐसे वक्त में आगे आके सभी वो कदम उठाएं जो लोगों को सुनिश्चित कर सके कि कैसे उनको तकलीफ नहीं हो।